खबर मालवे तो है ते पंजाबियां ने एक बार फिर तो दाग तो दिता है जो पंजाबियां ते कलंक लगा सी। पंजाबियां ने एक बार फिर तो अपनी जिंदा दिली दिखा दी है। गल कर रहे हैं इस मामले की दरिया दिली अते इंसानियत दा सबूत दिता गया है। कश्मीर दे सेब व्यापारी नू 9,12,000 रुपए का चैक दे के उसके नुकसान की भरपाई की गई है। दरअसल बीते दिन ही सोशल मीडिया उत्ते एक वीडियो तेजी दे नाल वायरल हुई सी जिस दे विच एक पलटे सेबां दे ट्रक विचों कुछ लोग पेटियां चोरी करके फरार हो जाते देखे गए। दिखाने पंजाबियां एक ट्रक ड्राइवर वालों लांदा पौंदियां दी यह वीडियो बीते कुछ दिनों तो सोशल मीडिया से तेजी नाल वायरल हो रही है क्योंकि इस ट्रक ड्राइवर दी सेबा नाल भरी गड्डी अचानक पलट गई सी जिस तो बाद कुछ शरारती लोगों वालों इस दे ट्रक च लदियां सेबा दियां करीब 1200 पेटियां चोरी कर लिया गई सन। सेब चोरी करन दी है वीडियो सोशल मीडिया से खूब तेजी दे नाल वायरल हुई जिस भी पंजाबी ने यह वीडियो वेखी उसकी आत्मा अंदर तक वलूंदरी गई कि कुछ बेगैरतां दी इस हरकत ने पंजाब दे मत्थे ते चोरी जिहा घिनौना काला दाग ला दिता। चोरी दे दाग ना सिर्फ धो दिता सगों पंजाबियां दी इंसानियत जिंदा दिली ते इमानदारी दी मिसाल भी कायम कीती है। मोहाली वासी गुरप्रीत सिंह पटियाला वासी राजविंदर सिंह ने वायरल वीडियो का नोटिस लेंदिया जिस कश्मीर दे सेब व्यापारी का माल सी उस नाल राबता कायम किया ते उन्हां दे होए नुकसान की भरपाई करन दी पेशकश की ते ओ पल सन जद जिला फतेहगढ़ साहब दे पुलिस मुखी दे दफ्तर च सेब व्यापारी नूं सद के पुलिस दे उच्च अधिकारियों की मौजूदगी च इन्हां दोहां पंजाबियों ने सेब व्यापारी मुहम्मद शाहिद 9,12,000 रुपए का चेक दे के ना सिर्फ उसके नुकसान की भरपाई की सगों एक बार फिर पंजाब अते पंजाबियों का माण भी वधाया। काफ़ी वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया से ते लोगों विच काफ़ी इस गल का रोष सीगा। उन्हों देखते दे हुए जी साढ़े को जिहड़ा सीगा राजविंदर जी ते इन्हां ने गुरप्रीत जी ने सानू अप्रोच किया सीगा कि असी इन्हां दी बेसिकली मदद करना चाहते हैं। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 9,12,000 ਦਾ ਉਹ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਟਰੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੇਬ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਚੱਕ ਕੇ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਹਗੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਹਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। 9,12,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 9,12,000 ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ। ਉਧਰ ਆਪਣੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਬ ਵਪਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹਿਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਮਤਲਬ ਜਦ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਨੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਯਹੀਂ ਪੇ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ, ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਵੋ ਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, मतलब ऐसा भी पंजाब में मतलब ये कभी हो ही नहीं सकता। अब जब आपका नुकसान की भरपाई हुई है तो क्या कहना चाहोगे आप? बस थैंक यू कहना चाहते हैं बलविंदर ये गुरप्रीत जी का और ये मैडम का। कल हमारे कॉल आया तो बोले कि आप यहाँ पे आ जाओ, आपका जो नुकसान है वो हम उसका भरपाई करेंगे। कैसे लगते हैं पंजाबी अब, ठीक है? पंजाबी अगर वैसे लोग भी है तो ऐसे लोग भी है यहाँ पे। वैसे कैसे? मतलब जो जिन्होंने हमारी माल लूटा था सर, हमेशा पंजाब के पंजाब हमेशा मतलब मदद के लिए आता है। दूजे पासे पुलिस ने पलटे ट्रक चों सेबां दीआं पेटियां चोरी करन दे मामले च कार्रवाई करदिआं
वीडियो च पेटियां चोरी कर रहे लोगों की पहचान करके 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया से जी वीडियो वायरल हुई सी उस तो लोगों की पछाण करके असी 10 बंद अरैसट किया। इस तो अलावा जी मैं दसना चाहूँगा भी 2 बंदे होर इनू नामजद करते हैं, 10 गिरफ़्तार कर लेने, 2 जड़े नामजद कर चुके हैं। वो उन्होंने नाम है ठीक नहीं समझता डिस्कलोज करने, लेकिन 2 असी 12 बंदे हो चुके हैं। सो वाकई पंजाबियों ने अपने मान को एक बार मुड़ तो दागदार होने से बचाया। इस सुनेहा हर पंजाबी नूं दिता है कि कदे भी अपनी रवायत मुताबक मदद करन तो पिछे नहीं हटना ते हमेशा हिक तान के खड़ना, फिर भावें मदद की कीमत सिर वार के ही क्यों ना सारनी पवे। BDC न्यूज़ लई श्री फतेहगढ़ साहब तो जगदेव सिंह की रिपोर्ट।